नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है ककुडा, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ककुडा 2024 की एक भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दोनों शैलियों के साथ एक तत्व को मिलाती है जो एक अनूठा देखने वाला अनुभव प्रदान करती है। आज तो सरपतदार द्वारा निर्देशित और भी RSVP मूवीज के तहत सोनी क्रूवाला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा और शाकिब अली जैसे स्टार स्टार्ट कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। चिराग गर्ग और अविनाश द्विवेदी द्वारा लिखी गई पटकथा एक रचनात्मक और हास्यपूर्ण कहानी का वादा करती है जो दर्शकों का मनोरंजन करेगी। ककुडा एक मनोरंजन हॉरर कॉमेडी है जो एक विचित्र भारतीय गांव में स्थित है जो सदियों पुराने अभिशाप से ग्रस्त है। ककुडा नामक एक रहस्यमय बोना भूत शहर में रहता है जो उसके पुरुष निवासियों को अंतरित करता है। हर मंगलवार को एक निश्चित समय पर ककुडा प्रकट होता है और प्रत्येक घर में एक छोटा सा दरवाजा खुला रहने की मांग करता है। ऐसा ना करने की पर एक भयानक अभिशाप लगता है जिसमें घर का पुरुष एक विचित्र ककुड़ा और एक भयानक भव्य के साथ एक जाता है। कहानी गांव के एक युवक सनी पर आधारित है जो इंदिरा नामक एक पड़ोसी शहर के महिला के पार करता है। अभिशाप के कारण उनकी शादी की योजना बाधित हो जाता है क्योंकि सनी ककुड़ा का लक्ष्य बन जाता है। अपने प्रियो को बचाने के लिए बेताब इंदिरा एक विचित्र भूत शिकारी विक्टर से मदद मांगती है और साथ मिलकर की अभिशाप के छिपी की सच्चाई की उजागर करने के भयानक भूत धराने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ते हैं। ककुडा ने कई बेहतरीन कलाकार हैं जिनमें से हर कोई अपनी अनूठी प्रतिभा के साथ फिल्म के नजर आएगा। रितेश देशमुख जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। विक्टर जेक्स के भूमिका में है जो एक विचित्र साधन संपन्न भूत शिकारी है जो संदिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककुडा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। OTT रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाट्य वितरण के किनार करते हुए सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाट्य रिलीज कगार फिल्म को नाट्य रिलीज किया जाता है तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में
लगावट भरे थे। न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बरता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा। उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो उसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उसे मुस्कुराया, उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई, उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नायक की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँचर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की, उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मन के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने अपने
अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमबियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगे, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसने आँखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हरजोशी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के जंगल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के किलबिस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाट्य वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाट्य रिलीज कगार फिल्म को नाट्य रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल के खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। न्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमय की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से
खुशी मिलती है। जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना, जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया। उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा। उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया। वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा। उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई। स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की सारी शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं। उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई। एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेत ने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेब था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपुल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नाय की हुई जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है। सपनों, यादों, भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँच कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो। एथन
एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसने आंखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हनजोशी से मुस्कुरा, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाट्य वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाट्य रिलीज कगार फिल्म को नाट्य रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीत थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहे एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे।
उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उन्हें देखा कि जीवन का निर्माण किया उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकझाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की सारी शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया, उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई, उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नाय की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीम बियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने आत्मा को पहुँचकर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की, उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीम बियर बन गए हो। एथन
एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसने आंखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हनजोशी से मुस्कुराया। मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उन्हें देखा कि जीवन का निर्माण किया। उसने उन्हें
प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की पपोच किया। वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा। उसकी आंखों प्यार और भविष्यों के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई। स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं। उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई। एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो उसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीले की आंखों में मिली जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उसे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए दहरे की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नायक की हुई जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है। सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने आत्मा को पहुँचर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा अपने महसूसकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि
वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने होनजोशी से मुस्कुराया। मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संदिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज और कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के एक संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमय की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई
शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए। और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गर्माहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज़्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आँखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज़ एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपुल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्रों में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँच कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने, मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो नए की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आँखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर
गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने वनजोशी से मुस्कुरा, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीत थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहे एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम ख़त्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ मुफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था, जो प्यार की साई
शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते थे, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई। एक विशाल फसल के खेत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गर्माहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक प्रदेशों में ले ली। इस सपुल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुंचकर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि
वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने होनजोशी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के जंगल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बरता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ मुफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उन्हें देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की सारी शक्ति का
नौजवान था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं। उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई। एक विशाल फसल के खेत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी और सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीले की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उसे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए दहरे की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमबियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँचर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमबियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर
गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने होनजोशी से मुस्कुरा मुझे भी, उसने जवाब दिया, उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाट्य वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाट्य रिलीज कगार फिल्म को नाट्य रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के एक संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों को स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमय की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने न्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था, जो प्यार की साई
शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी और सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीले की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सहजता से बदते हुए, जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों, यादों, भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने नया आत्मा को पहुँच कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने, मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे, और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़ कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगे, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर
गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हनजोशी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के किलबिश के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नट्टो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नट्टो रिलीज कगार फिल्म को नट्टो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीत थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम ख़त्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बरता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था, जो प्यार की साई
शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया, उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई, उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नाय की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नाय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नाय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को नाय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ नाय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और नाय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने नया आत्मा को पहुंचकर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की, उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने, मन के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। नाय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया, एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो नाय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि
वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने होनजोशी से मुस्कुराया। मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के जंगूल के फंसा एक मासूम ग्रामीणों है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के एक संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बरता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने न्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई शक्ति का
नौजवान था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं। उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए। कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए और इस तरह उसकी कहानी सामने आई। एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी और सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गणमाहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीले की आंखों में मिली जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए दहरे की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नायक की हुई जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमबियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है। सपनों, यादों, भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भोलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँचकर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे तो नए की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमबियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर
गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने वनजोशी से मुस्कुरा, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के जंगूल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म की पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीत थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमय की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारण जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकझट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था, जो प्यार की साई
शक्ति का वरदान था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था। वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था। ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए, जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने आत्मा को पहुँचर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने, मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि
वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने होनजोशी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के किलबिस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीत थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम ख़त्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की सारी शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने
बच्चों की परवरिश की, जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए। और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गर्माहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उसे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की, उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी, निर्देशों का पालन करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नित्यत्व किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी, अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँचर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की, उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र के ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हनजोशी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संदीरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के जंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीणों है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाट्य वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाट्य रिलीज कगार फिल्म को नाट्य रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए। और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा।
अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी और सुंदरते व्यक्ति के प्यार पर गर्माहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज़्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए दहरे की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आँखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज़ एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नायक की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुँचकर कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और नाय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आँखों में आंसू, हाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए, हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला।
और मार्को ने वॉन जोसी से मुस्कुराया, मुझे भी, उसने जवाब दिया, उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़ निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपने गहन और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है, जो ककूड़ा के अभिनय के चंगुल के फंसा एक मासूम ग्रामीण है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज और कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है, तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी, कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति के जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के एक संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम ख़त्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमय की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियां साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, नए के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारण जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ वफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उन्हें देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी झिझकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की साई शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो इसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे
साथ साझा हंसी और सुंदरते व्यक्ति के प्यार पे गर्माहट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो चुभती हुई नीली की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज़्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आँखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सफल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नए की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमवियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। न्याय की बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और न्याय की एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और समर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने आत्मा को पहुँच कर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूसकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने, मन के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, उन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे समय बीतता गया, एथन और न्याय की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो न्याय की एथन की एक मुड़ कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमवियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। साल बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हरजोशी से मुस्कुराया। मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे, तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। संधिरा और अप्रत्याशित सहयोग बन जाता है। एक दमदार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंदिरा के रूप में एक दमदार अभिनय किया है, जो एक दृढ़निश्चय युवती है जो उनके प्रेमी के बचाने के लिए सब कुछ योग में डाल देती है। साकिब सलीम ने अपनी गहन और
सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ ये भूमिका निभाई है जो ककूड़ा के अभिनय के जंगूल के फंसा एक मासूम ग्रामीणों है, जो अंत में आसिफ खान के गिलविस के रूप में फिल्म में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है, जो एक छिपे हुए एजेंट वाला एक रहस्यमय चरित्र है। ओटीटी रिलीज हो सकता है कि फिल्म के पारिवारिक नाटो वितरण के किनार करते हुए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया हो। जैसे ही मामलों में बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को आमतौर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जमीन नाटो रिलीज कगार फिल्म को नाटो रिलीज किया जाता है तो ये सिनेमाघरों के सीमित समय तक चल रही सकती है, जिसमें व्यापक बॉक्स ऑफिस डेटा प्राप्त करता मुश्किल हो जाता है। डेटा में देरी कभी कभी बॉक्स ऑफिस डेटा की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने में समय लगता है, खासकर छोटी या स्वतंत्र फिल्मों के लिए। सचल के ऊंचे सुनहरे उठलों के बीच की एक हल्की हवा रहती है, जिसमें हवा में एक सुंदर संगीत की धुन गूंज रही थी। इस विशाल फसल की खेत बीच में दो युवा आत्माओं को सांत्वना और पार कर लिया। अन्याय और उत्साही और स्वतंत्र महिला ग्रामीण इलाकों के शांति की ओर आकर्षित हुई थी। वो हलचल भरे शहर के छिपे छोड़कर एक सरल जीवन की तलाश में थी, जहाँ वो प्रकृति की जुड़े स्केक और शांति पा सके। उनके दिन चावल के खेतों की देखभाल में बीते थे, उनके साथ कोठोर के लेकिन संतुष्ट थे। स्थानीय किसान रवि कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो ग्रामीण इलाकों में बड़ा हुआ था, ग्रामीण जीवन की परिचित दृश्यों के स्थानियों से घिरा हुआ था। वो जमीन और उसके लय के गहराई से जुड़ा हुआ था और धरती और खोजने की करने की सरल कार्यों का आनंद पाता था। एक शाम जब न्याय की स्रोतों से घर लौट रही थी तो उसके राहें एक दूसरे की टकराई। रवि बिन का अपना काम खत्म करके आराम टहल रहा था, उनकी आंखों एक दूसरे से मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। अन्याय की रवि की शांत शक्ति और सौम्य स्वभाव से मोहित हो जाई। उनकी रवि आदमी की संक्रामक उत्साह और जीवन के प्रति उत्साह से आकर्षित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी हफ्तों एक ऐसे प्यार में बदल गई जो चावल के खेतों की तरह शुद्ध और स्थायी था। उन्होंने खेतों की घूमते हुए कहानियों साझा करते हुए और बस एक दूसरे के संगीत का आनंद लेते हुए अनगिनत घंटे एक साथ बिताए हैं। एक शाम जब बेतारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और न्याय के सामने अपने दिल की बात कर दी थी। उसने उसे बताया कि कैसे वो उससे गहराई की प्यार करने लगा था और कैसे उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। प्यार में लगावट भरे थी, न्याय के भी उसके लिए अपने भावनाओं को कबूल किया। उनकी प्रेम कहानी एक साधारण कहानी थी जो सारणी जीवन की जटिलताओं और विकर्षणों से मुक्त थी। ये एक ऐसा प्यार था जो स्वाभाविक रूप से बरता गया, ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और शांति से घोषित हुआ। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे ही खेतों में सूर्योदय देखता था, साथ में खाना खाना। जैसे जैसे मौसम बदलते वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। उन्होंने एक साथ मुफादे का सामना किया, हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें सफल फसल का जश्न मनाया, उनके दिल जमीन की उदारता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना देखा, उनने देखा कि जीवन का निर्माण किया, उसने उन्हें प्यार था। एक दिन रवि ने अन्याय की प्रपोज किया, वो चावल के खेत के बीच के घुटनों के बल बैठा, उसकी आंखों प्यार और भविष्य के भरी हुई थी। न्याय जिसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण शादी की योजना बनाई, स्वीकृति की सुंदरता से घिरे अपने प्यार का जश्न। उनकी शादी दो आत्माओं का सम्मिलन था जो प्यार की सारी शक्ति का प्रमाण था। वे ग्रामीण इलाकों के रहते हैं, उनके दिन मौसम की लय से भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश की जो जमीन के प्यार से घिरे हुए बड़े हुए, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एक साधारण जीवन की सुंदरता के महत्व सीखते हुए, और इस तरह उसकी कहानी सामने आई, एक विशाल फसल के खेत के पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी। ये एक ऐसा प्यार था जो खिलता और बढ़ाता गया था, वो मानवीय बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। ये ऐसा प्रेम था जो चावल के लिए खेती की तरह और पवित्र की स्थायी था, ऐसा प्रेम जो उसे खेतने देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बढ़ता हुआ खालीपन उसके दिल को कुदरते लगा था। उसे साथ साझा हंसी सुंदर व्यक्ति के प्यार पर गणमहाट की याद आती थी। एक दोपहर में गांव के बाजार में टहलते हुए मारिया की आंखें दो
चुभती हुई नीले की आंखों में मिली, जिसे आदमी उन्हें पकड़ लिया था। एक अकेले दिन अजीबोगरीब उससे मुस्कुराया। उसका नाम मार्को था और वो पास के शहर का एक प्रसिद्ध सेफ था। उन्होंने बातचीत शुरू की। उनके शब्द सहजता से बदते हुए, जैसे ही वे एक दूसरे के सालों जानते थे। जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरता गया, एथन को पता चला कि किताब सिर्फ एक गहराई से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अपने दिमाग के भीतर उसे छिपे हुए धैर्य की प्रवेश कर रही थी। निर्देशों का पालन करते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुस्तक कवर पर घूमते भ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी आवाज एक जीवंत अलौकिक परिदृश्यों में ले ली। इस सपुल क्षेत्र में ओपन की मुलाकात नायक की हुई, जो एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों सितारों की तरह चमक रही थी। उसने खुद को ड्रीमबियर अवचेतन के संरक्षण के रूप में पेश किया। नायकी बताया कि उसकी एथन को एक विशेष मिशन में अपना मार्गदर्शन चुना है। उन्हें मानव मन की गहराई से यात्रा पड़ती है, सपनों याद और भावनाओं के विशाल और अनदेखे यात्रों की खोज करती थी। साथ में एथन और नायकी एक भूलापन के साहसिक कार्यों की शुरुआत की। वे सपनों के छात्र में उड़े यादों की अरोरा वेरेलिस के नीचे नृत्य किया और भावनाओं के विश्वघाती आरोपी के पार किया। रास्ते में उनका सामना काल्पनिक जीवों से हुआ और प्राचीन पहलियों को सुलझाया, जो खतरनाक और चुनौतियों का सामना किया। जैसे जैसे वे अवचेतन में गहराई से खोज करते गए, एथन को न्याय के साथ एक डरता हुआ जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी हंसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और उसकी बुद्धि ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ न्याय की से नहीं है, बल्कि सपनों के दायरे से भी प्यार करने लगा था। एक दिन अवचेतन के एक सख्त अंधेरे और रहस्यमय होने की खोज करते एथन और न्याय की एक फंसी हुई आत्मा पर ठोकर खा गया। आत्मा निरक्षा और अकेलेपन से भरी हुई थी। अपने मन में शांति पाने और असमर्थ थी। आत्मा के मार्गदर्शन से एथन ने न आत्मा को पहुंचकर उसे सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे ही एथन फंसी हुई आत्मा से जुड़ा, अपने महसूनुभूतिकरण की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की मदद करने मत के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। उस पल से एथन ने खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो खो गए थे, पीड़ित थे। न्याय की मदद से एथन ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग घनों घायल आत्माओं की ठीक करने के लिए करना सीखा। जिसने उसका सामना हुआ, जिसने उन लोगों के लिए आश लगाई, इन्होंने उसे खो दिया था। उन लोगों के लिए शांति जो बेचैन थे और उन लोगों के लिए प्यार जो अकेले थे। उसका काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन और नायक की बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ अवचेतन की खोज करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। अपने डर की, अपनी उम्मीदों साझा की। एथन की आत्मा का एक साथी, एक विश्वास पात्र और एक प्यार मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब वे सपनों के विशाल सागर को देखते हुए कि बादल पर बैठे थे, तो नए की एथन की एक मुड़कर कहा, तुम एक सच्चे ड्रीमबियर बन गए हो एथन। एक धूप भरी दोपहर जब वे समुद्र तट पर टहल रहे थे, मार्को मारिया के सामने घुटने के बल बैठा और उसे एक खूबसूरत हीरो की अंगूठी भेंट की। क्या तुम मुझे शादी करोगी, उसने पूछा। उनकी आंखें प्यार में, उम्मीद में भरी हुई थी। मारिया ने दिल का खुशी से भर गया, अपने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसने आंखों में आंसू, हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी शादी एक खुशी का जश्न था जो प्यार, हंसी और नवीनकरण के भावना से भरा था। जब उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया, तो मारिया को पता था कि वो अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है जो वादे का अंत संभालने का भरा है। सालों बीत गए और मारिया को मार्को का प्यार और गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, जीवन के उतर चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। एक शाम जब वे अपनी बालकनी पर बैठे थे और समुद्र को ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मारिया ने मार्को को और मुड़कर रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला। और मार्को ने हरजोशी से मुस्कुराया। मुझे भी, उसने जवाब दिया। उसने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, तुम्हारा प्यार। जब वे हाथ पकड़े हुए ऊपर चमकते रहते थे, तो वो देखते थे कि मारिया को पता था कि उसने प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है।